तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर रितेश टे चैनल। मिस्टर रितेश टे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अगर यूट्यूब चैनल चलाते हो तो एंड स्क्रीन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड स्क्रीन एक ऐसा चीज़ है जो कि आप वीडियोज डालते हो अपने चैनल पर। कुछ वीडियोस के आप एंड में एक लेयर लगा सकते हो, दूसरे वीडियो का लिंक आप वहाँ पर लेयर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, और बता दूँ, वीडियो के एंड में आप चैनल का भी वहाँ पर लोगो और लेयर लगा सकते हो, बल्कि उसमें लिंक रहेगा। उस लिंक पर क्लिक करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा, और वीडियो को लेयर बता रहा हूँ तो उस वीडियो को आप क्लिक करेगा तो वीडियो को देख सकता है। तो कुछ इस तरह से आप एंड स्क्रीन में लेयर वगैरह वीडियो वगैरह लगा सकते हैं। तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज मिलती रहती है इस चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंड स्क्रीन का लेयर लगाना है तो आपको कैसे लगा सकते हैं, वीडियो को एंड में स्क्रीन लेयर लगाते हैं तो कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है YT क्रिएटर स्टूडियो। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में क्लिक कर लेना है। डेस्कटॉप साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर न्यू टाइप करके क्लिक कर लेना है। न्यू टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर न्यू टाइप आ जाएगा। यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यूट्यूब स्टूडियो डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे आपके चैनल का वीडियोज आ जाएंगे। आपको जिस वीडियो को एंड में दूसरी वीडियो का लिंक वगैरह लेयर वगैरह लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस वीडियो को एंड में लगाना है एंड स्क्रीन, तो आपको उस वीडियो पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं ये वीडियो में लगाऊंगा, इस वीडियो को क्लिक कर लेता हूँ। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद एक और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक और ऑप्शन इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एंड स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एंड स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो का लेयर वगैरह एंड चैनल का लेयर वगैरह लगाना है, उस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है हमें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर मैं ये वाले सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि ये वाला मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद चॉइस स्प्लिट वीडियो, तो इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको जो वीडियो को एंड में लगाना है उस वीडियो को क्लिक कर लेना है। जैसे कि मेरे को ये वीडियो को लगाना है, इस वीडियो को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पर इस तरीके से लेयर लग जाएगा। उसके बाद अगर आपको यही लेयर लगाना है तो आप यहाँ पर भी जैसे कि मैंने लेयर लगाया, उस तरीके से आपको फिर से यहाँ पर लेयर लगा लेना है। उस तरीके से जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया वीडियो को, यहाँ पर सर्च मार के सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस तरीके से मैं एक ही लेयर लगाऊँगा तो इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एडिटिंग ऐप की तरह यहाँ पर काम करने को मिलता है। उसके बाद अगर एक ही लेयर लगा, उसके बाद यहाँ पर लेयर लगाने के बाद एंड स्क्रीन लगाने के बाद हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके बाद यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं शेप का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका काम कंप्लीट, आपका वीडियो में एंड स्क्रीन लेयर लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है इस चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।